वेलकम बैक टू आई टी जेड इंग्लिश। मैं हूं इम्तियाज अहमद और यूट्यूब चैनल आई टी जेड इंग्लिश में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं, जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन यह आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। इसे हिंदी में हम लोग रूपांतरण नाम देते हैं, रूपांतरण, जिसका संधि विच्छेद होता है रूप प्लस अंतरण। अंतरण का मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक रूप, यानी कि किसी सेंटेंस के आंतरिक रूप में परिवर्तन जो किया जाता है उसे हम रूपांतरण कहते हैं, या फिर अंग्रेजी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और क्लियर कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने एक एग्जांपल आपके लिए रखा है, आप समझने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन पर देखिए, यहां मैंने कुछ फूल लिए हैं, ठीक है। ये फूल इधर जाकर के एक गार्लैंड बनते हैं, गार्लैंड, फूलों की माला। यानी कि यहां कुछ फूल रखे गए हैं और फिर इन्हीं फूलों से एक नई आकृति बनी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्लैंड। तो अब बताइए कि आप क्या इसे गार्लैंड कहेंगे? इसको आप इसको गार्लैंड नहीं कह सकते, ये कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स हैं। लेकिन यही कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स जब हम इस शेप में ढालते हैं, धागे के अंदर इसको जब पिरो दिया जाता है, तो हम इसको अब गार्लैंड कहेंगे। अब इसको अगर कहा जाए कि ये फूल है तो गलत हो जाएगा, इसलिए कि इस नई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, फूलों की माला। बात नहीं स्पष्ट हुई कि यहां हम इसको फूल कहेंगे, यहां हम इसको फूल कहेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे, गार्लैंड कहेंगे। हालांकि ये भी कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है और ये भी कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है, दोनों में सिमिलरिटी है लेकिन सिमिलरिटी नहीं भी है, क्योंकि दोनों फूल हैं, ये भी फूल ये भी फूल, लेकिन कुछ ये अलग अलग रूप में है, अलग फॉर्म में है, और ये कुछ अलग रूप में है। तो इसे हम कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स कहेंगे और इसे हम गार्लैंड कहेंगे, ठीक है। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब हुआ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि टू चेंज द फॉर्म, रूप को बदल देना, रूप को, शक्ल को बदल देना, यानी कि जिस आकार में जिस रूप में कोई एक वस्तु है या जिस अवस्था में है उसकी अवस्था को, उसके रूप को बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, यानी कि टू चेंज द फॉर्म, किसी के फॉर्म को बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। आप देख रहे हो ध्यान से ना, ये जो फॉर्म बना है इस फॉर्म को आपने एक अलग रूप दिया है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फूल यहाँ जाते जाते पत्थर हो जाए, पत्थर नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ फूल हैं तो वहाँ भी फूल होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को मैं एग्जाम्पल में रख करके आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखते हैं, समझने की कोशिश ये करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, क्योंकि मैं आज के इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ यही क्लियर करूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, दो चार तरीके से, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन कहां होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन को जानने से पहले अपनी कुछ बातें, कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक आप मेरे लिए अगर अजनबी हैं तो ये अजनबीपन छोड़िए और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, सीखिए, और सीखने के बाद कुछ अच्छा लगे तो
तो वीडियो को दोस्तों को ट्रांसफर कर दीजिए, उन्हें भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका मजा वो भी उठा लें, उन्हें भी कुछ ज्ञान मिले। आइए और अच्छी तरह से समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन है, एग्जाम्पल रख करके समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं रख लेता हूं, सी इज ब्यूटीफुल। बड़ी सिंपल सा सेंटेंस है, सी इज ब्यूटीफुल। सी कैसी है? तो ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो दावा तो हो गया कि सी कैसी है भाई, तो ब्यूटीफुल है। अब ये जो सेंटेंस है ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप दूसरे सेंटेंस के अंदर ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि सी कैसी होनी चाहिए, तो ब्यूटीफुल। अब अगर दूसरे वाक्य में सी को ब्यूटीफुल रखना है तो हम कहेंगे सी इज नॉट अगली। अगली का मतलब होता है कुरूप। सी जो है अगली, कुरूप नहीं है, बदसूरत नहीं है, तो बताओ सी कैसी है, ब्यूटीफुल हुई कि नहीं हुई? बेशक ब्यूटीफुल हुई। मतलब सी यहां भी ब्यूटीफुल है और इस सेंटेंस के अंदर भी ब्यूटीफुल। अगला वाक्य देख लो, बना लो, इज सी नॉट ब्यूटीफुल। इज सी नॉट ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत नहीं है? स्पीकर क्या कहना चाहता है? स्पीकर कहना चाहता है कि सी इज ब्यूटीफुल। आप ध्यान से देखिए, ये जो सेंटेंस बना था पहले ये अफर्मेटिव, नीचे निगेटिव, और ये जो सेंटेंस है ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस तो तीन तरह के बन गए, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव, लेकिन हर एक सेंटेंस के अंदर सी जो है कैसी है, तो खूबसूरत है। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द सेंस ऑफ द सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी वाक्य को बिना उसके अर्थ को बदले, बिना उसके सेंस को बदले, एक दूसरे रूप में रख देते हैं। अगर ऐसा है तो वह प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जैसे और मैं क्लियर करूं, सी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है। अब अगर इसको चाहूं तो मैं एक और वाक्य में लिख सकता हूं, कैसे? सी इज नॉट ब्यूटीफुल। हमने इस वाक्य में सिर्फ नॉट बढ़ा दिया, एडवर्ब, मामला बिगड़ गया। कैसे? सी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है। अब इधर पलट गए, सी इज नॉट ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत नहीं है। तो अर्थ तो बदल गया, मीनिंग तो बदला। अगर मीनिंग बदल गया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। हुआ क्या कि ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है, लेकिन ये जो सेंटेंस है निगेटिव है। अफर्मेटिव से निगेटिव बना, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सेंटेंस बदल जाए, वर्ड ऑर्डर बदल जाए, लेकिन सेंटेंस के अंदर जो सेंस है वह सेंस कभी नहीं बदलना चाहिए। यहां सेंस बदला है तो अफर्मेटिव निगेटिव बना, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन कहां हुआ? यहां देखिए, सी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है। इधर कहा गया कि सी इज नॉट अगली, वह बदसूरत नहीं है। बदसूरत नहीं है तो फिर कैसी हुई? खूबसूरत हुई, ब्यूटीफुल। तो ये जो प्रोसेस बना ये ट्रांसफॉर्मेशन है। हालांकि ये सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव, ये भी निगेटिव बना है, लेकिन ये निगेटिव जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बना है, वहां किसी एक बात से डिनाई किया गया है, यहां अफर्मेशन है। आप इनकार करने के अंदाज में कहते हो कि वो बदसूरत नहीं है, तो दबे दबे शब्दों में आपने ये स्वीकार किया है कि सी अगर बदसूरत नहीं है तो फिर कैसी है? खूबसूरत है। तो खूबसूरत है, इसमें आपका एक्सेप्टेंस छुपा हुआ है, आपका अफर्मेशन छुपा हुआ है। तो जब सेंस बदल जाएगा तो प्रोसेस जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर सेंस ज्यों का त्यों है तो चाहे तुम इस सेंटेंस को कहीं भी ले जाओ,
अगर सेंस नहीं बदला है, एक नया सेंटेंस बन गया है, तो वह ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसा कि फूलों के इस एग्जाम्पल से भी साबित हो रहा है, यहाँ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है, यहाँ भी कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है, तो फूल ही ना रहे कि कांटे बने, नहीं कांटे नहीं बने, फूल फूल रहे, लेकिन स्वरूप बदल गया। यहाँ सिर्फ कलेक्शन किया गया है और यहाँ इसे धागे में पिरो करके गार्लैंड बना दिया गया है, फूलों की माला। यही है आपका प्रोसेस। आपके इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाने के लिए मैं कुछ और सेंटेंसेज रख रहा हूँ, आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, सी इज एज टॉल एज ही, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। अब ध्यान से समझोगे ट्रांसफॉर्मेशन। यहां जो मैंने सेंटेंस रखा है कि सी इज एज टॉल एज ही, सी उतनी ही लंबी है जितना कि ही। अब अगर सपोज कर लें कि सी जो है 5.5 फीट लंबी है, तो ही कितना लंबा होगा? 5.5 फीट। दोनों की लंबाई जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों की लंबाई कैसी है? बिल्कुल बराबर है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। अब ध्यान रहे कि इस सेंटेंस का मीनिंग सेंस क्या है, कि दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं लंबाई में बराबर है। तो अब आप इस सेंटेंस को कहीं भी ले जाओ, कुछ भी बनाओ, ध्यान रहे कि ही और सी बिल्कुल समान लंबाई के हों। तो हम क्या करेंगे, अगला एक सेंटेंस मैं बना देता हूं, ही इज नॉट टॉल। नया जो सेंटेंस बनेगा आप इसमें समझोगे कि क्या कहीं पहले सेंटेंस का मीनिंग जो है दूसरे में बदल तो नहीं गया, ठीक है। तो मैं बना रहा हूं कि ही इज नॉट टॉलर देन सी, वह उतनी ही लंबी है जितना कि ही, ये दोनों लंबाई में बराबर हैं। नीचे आया कि ही इज नॉट टॉलर देन सी, ही जो है सी से अधिक लंबा नहीं है, ही सी की तुलना में अधिक लंबा नहीं है, अधिक लंबा नहीं है और कम की बात सेंटेंस के अंदर है नहीं। तो दोनों की लंबाई बोलो बराबर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल बराबर हुई, दोनों की लंबाई यहां भी बराबर है। तो सेंटेंस का रूप बदला, वर्ड ऑर्डर बदले, पहले में नॉट नहीं था, यहां नॉट आया, यहां एज टॉल एज है, यहां टॉलर देन है। अगर नहीं बदला है तो सिर्फ इज नहीं बदला, सी नहीं बदला, ही नहीं बदला, लेकिन नॉट टॉलर देन नए हैं, एज टॉल एज हटा, यहां ये आया। तो वर्ड ऑर्डर बदल गए लेकिन दोनों की लंबाई, ही और सी दोनों की लंबाई बिल्कुल बराबर है। तो नीचे जो सेंटेंस बना है, सॉरी, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और रख रहा हूं, ही इज टू फैट टू रन फास्ट, वह इतना मोटा है कि तेज नहीं दौड़ सकता, वह इतना मोटा है कि तेज नहीं दौड़ सकता। अब यहां इस सेंटेंस में क्या मीनिंग बताया गया, कि ही जो है मोटा है और ही तेज नहीं दौड़ सकता। अब हम इसको एक नए सेंटेंस में इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे, ही इज सो फैट डैट ही कैन नॉट रन फास्ट। इस सेंटेंस का भी मतलब वही है,
ही इज टू फैट टू रन फास्ट, वह इतना मोटा है कि तेज नहीं दौड़ सकता। ही इज सो फैट डैट ही कैन नॉट रन फास्ट, वह इतना मोटा है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता। इसका मतलब हुआ कि पहले सेंटेंस में ही को फैट दिखाया गया और दिखाया गया कि तेज नहीं दौड़ सकता, यही मतलब नीचे के सेंटेंस में दिए ही इज सो फैट, वह बहुत मोटा है, ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता। तो सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर बदल गए, सेंटेंस की कॉम्बिनेशन बदल गई, लेकिन मतलब जो है, जो मीनिंग है, सेम टू सेम वही मीनिंग है। यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। एक मैं और बात बता लूं कि ये जो सेंटेंस है एक सिंपल सेंटेंस है, और नीचे जो है ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इधर का ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और यहाँ ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी वाक्य के अर्थ को बिना बदले उसे एक दूसरे रूप में लिख देते हैं, रख देते हैं। आप इसको डिफाइन करने के लिए कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो मैंने शुरू में बताया कि टू चेंज द फॉर्म, रूप बदलना ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और अच्छी तरह से समझा लो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सेंटेंस इंटू अनदर विदाउट द चेंजिंग ऑफ सेंस। मतलब हुआ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सेंटेंस इंटू अनदर, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलने की प्रक्रिया, प्रोसेस। कैसे? विदाउट द चेंजिंग ऑफ सेंस, बिना भाव के बदले हुए। अगर ऐसी प्रक्रिया है तो वह प्रक्रिया आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। मतलब हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी वाक्य के अर्थ को बिना बदले उसे एक नए रूप में रख देते हैं। इस क्रम में हम बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं, कभी अफर्मेटिव से निगेटिव, कभी इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव बनाते हैं, असर्टिव बनाते हैं, एक्सक्लामेटिव को हम असर्टिव बना देते हैं, ठीक है, एक्टिव को पैसिव कर देते हैं, पैसिव को एक्टिव कर देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनता है, सिंपल जो है कंपाउंड बनता है, कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स बनता है। डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस बदलाव के किए जाते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं अगला वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड लेकर के आऊंगा, जहां आप मेरे साथ रिमूव टू सीखेंगे, और रिमूव टू की गहरी से गहरी बात को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। उसके अंदर जो भी ग्रामेटिकल फेजेस हैं, जो उसका रहस्य है, सब की सब आपको ट्रांसफर कर दूंगा। इसलिए आप अगले वीडियो को भी देखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा, सबक है।